मैं मौजूद हूँ इस टाइम केले के बाग के अंदर, और आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे के सारे ये केले लगे हुए हैं, ये देखें। और ये मैं आपको इसकी काश्तकारी करते हुए भी दिखाऊंगा। अभी कुछ देर में जो है काश्तकारी होने वाली है, कुछ हमने शॉर्ट्स बनाने हैं अपने अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए, तो आपको भी दिखाएंगे। और तो भाई के साथ रहिएगा, देखते रहिएगा कंटेंट आइस। और हाँ, जाते जाते भाई को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और एंड तक इस भाई का जो है व्लॉग देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम व्लॉग बनाता हूँ, तो कोशिश करूँगा अच्छा कर सकूँ। जाहिर सी बात है, इंसान कहते हैं सीखते सीखते ही जो उसको आता है, तो इसी तरीके से तो मैं आपको और भी दिखाता हूँ फिर। देखिएगा दोस्तों, ये पूरा केले का, और ये देखें ये जो है केले लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं, ये अच्छा है। मैं आपको जो है केले का फूल दिखाता हूँ कि किस तरह से होता है। और ये देखिएगा, ये है केले का फूल, ये देखें ये केले का फूल है, और ये केले लगे हुए हैं। तकरीबन 5वां साल है कि ये माल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास कई अच्छी वैरायटीज़ हैं, बसराई जो कि हमारी सिंध का मशहूर है, और उसके अलावा ढाका है हमारे पास, जो बीज आप जिसकी बता रहे हो, हमारे पास जीनाइन है, हमारे पास विलियम का बीज है जो इंतहाई बेहतरीन किस्म का फसल है उसका। सबसे बड़ा जो होता है वो कौन सा है, जो ढाका तो चले ठीक है, लेकिन हमारे पास कौन सा ऐसा वो फल है जो सबसे बड़ा साइज़ में है और जिसकी मांग है और जिसको आजकल आप जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं? सर ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तो सुनी सुनाई बात है, एक दूसरा है कि मार्केटिंग के हवाले से, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केटिंग का भी काम है। मार्केटिंग के हवाले से हमने मुकाबला किया इक्वाडोर, सबसे अच्छा केला है, उसके बाद दूसरे नंबर पे इंडिया का केला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंडिया की भी मुकाबला किया। इंडिया तो ईरान जाना बंद ही हो गया है, और बकाया जो इक्वाडोर है, इक्वाडोर के मुकाबले में भी हमारा केला इंतहाई बेहतरीन और अच्छे उसमें रेट में बिक जाते हैं। तो केला जो है सिंध का ये इंतहाई बेहतरीन फसल है। विलियम जो है वो हमारा बिल्कुल, हम इस पर इक्वाडोर का मुकाबला कर सकते हैं। हमने इधर माल भराए तकरीबन हमारे 3 या 4 हाथ जो होते हैं, जो पंजा होता है केले का, वही एक होता है इक्वाडोर का, वही जो हमारे हैं वो 15 kg के वज़न में हमारी 3 से 4 पंजे जो है, हमारे पास वीडियो पड़ी है उस मालों की, तो आज भी आपके सामने है माल, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, फसल माशाल्लाह अच्छा है सिंध का, और ऐसी कोई वो नहीं है। वही बात लोगों की सुनी सुनाई बात आप छोड़ दे, हमारे पास असल में वही बीज है जो ढाका के नाम से मशहूर है, यही डीक बीज हमारे पास आया है इधर सिंध में, हमने लगाए तो तब लोगों ने जाना कि भाई ढाका क्या है, उसके मुकाबले ये ढाका का ही बीज है और ढाका का ही केला है जो आपके सामने पड़ा है। मैं आपको दिखाऊंगा टोटल जो हमारी एक्सपोर्ट हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 5वां साल है, 5 साल हो गई है हम ईरान पे, मैंने आपको बताया ना कि इस साल इंडिया का माल जाना ही बंद, इक्वाडोर के मुकाबले में हम पाकिस्तान का माल भेज रहे हैं।